नमस्कार बच्चों, हमने पढ़ी लियो टॉलस्टॉय की कहानी आखिर कितनी जमी। तो आज हम करेंगे पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। बच्चों, प्रश्न नंबर एक मौखिक प्रश्न और रिक्त स्थान, प्रश्न नंबर दो, प्रश्न नंबर तीन है गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये तीनों प्रश्न आप स्वयं करेंगे, आप इनका उत्तर खुद लिखेंगे, बुक में ही फिल करेंगे। और प्रश्न नंबर चार उत्तर लिखिए, प्रश्न नंबर चार और प्रश्न नंबर पांच ये मैं आपको आज करवाऊंगी। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चार का क है, सुखिया का अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होने का क्या कारण था। इसका उत्तर है, सुखिया की और अधिक पाने की इच्छा के कारण वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। प्रश्न नंबर दो देखिए कि मन में बहुत सा पाने की चाह उत्पन्न होने पर सुखिया ने क्या किया। उत्तर है, मन में बहुत सा पाने की चाह उत्पन्न होने पर सुखिया ने सोचा कि उसे भी और अधिक जमीन पाने की कोशिश करनी चाहिए। यह सोचकर वह दरिया पार की जमीन देखने चला गया। अगला प्रश्न है, मुखिया ने किस हिसाब से जमीन बेचने की बात की। यह प्रश्न नंबर ग है, मुखिया ने किस हिसाब से जमीन बेचने की बात की। उत्तर है, एक दिन के 1000 रुपए के हिसाब से जमीन बेचने की बात की। प्रश्न नंबर घ है, सूर्यास्त होने से पहले सुखिया की स्थिति कैसी हो गई थी। उत्तर है, सूर्यास्त होने से पहले सुखिया बहुत थक गया था और उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, वह मुंह के बल गिरकर जमीन पर गिर गया। प्रश्न नंबर ड है कि थोड़ी सी मेहनत से ही फसलें लहला जाएंगी का क्या अभिप्राय है। उत्तर है, जब कोई जमीन उपजाऊ होती है तो वहां पर खेती करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वहां पर थोड़ी सी मेहनत से ही अच्छी फसल हो जाती है। तो ये था प्रश्न नंबर चार के पांच प्रश्नों के उत्तर। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर पांच। प्रश्न नंबर पांच का पहला प्रश्न है, क सुखिया के मन में उथल पुथल मचने का क्या कारण था, यानी सुखिया के मन में उथल पुथल क्यों मच रही थी। तो चलिए जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है, जब राहगीर ने सुखिया को बताया कि दरिया के पार एक बस्ती है, वहां बहुत सारी उपजाऊ जमीन सस्ते में मिल रही है। यह सुनकर सुखिया का मन बहुत बेचैन हो गया। अधिक पाने के लोभ के कारण सुखिया के मन में उथल पुथल मच गई। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि सुखिया को खाने पीने और आराम में अधिक समय नष्ट करना क्यों उचित नहीं लगा। तो इसका उत्तर है, सुखिया को खाने पीने और आराम में अधिक समय नष्ट करना उचित इसलिए नहीं लगा क्योंकि सूर्य ढलने वाला था और उसके पास समय नहीं था, उसे सूर्यास्त से पहले उसी टेकड़ी पर पहुंचना था जहां से वो चला था। तो इसलिए सुखिया ने सोचा कि खाने पीने और आराम करने में मैं अपना समय नष्ट ना करूं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भय के कारण सुखिया की जो स्थिति हुई उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ग है ये, तो इसका उत्तर मैं आपको बता देती हूं कि सुखिया के मन में भय होने लगा था कि वह समय पर नहीं पहुंच पाएगा, तो भय से उसकी सांसें फूलने लगी,
भागते भागते पसीने से उसके कपड़े लथपथ हो गए थे, उसका गला सूखने लगा और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे भय लगने लगा कि इतनी थकान से कहीं वह देर न हो जाए। ये उसकी मनोदशा थी उस समय। ठीक है, अगला प्रश्न है घ, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करने से मन असंतोष रहता है। तो बच्चों, ये था आपका जो पाठ, आखिर कितनी जमीन, यहीं पर समाप्त हुआ। जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आप अपनी बुक में पूरा करेंगे। भाषा बोध का जो कार्य है ये भी आप अपनी बुक में ही फिल करेंगे। कृत प्रत्यय जोड़ करके आपको शब्द बनाना है। आगे है कि दिए गए शब्दों से संज्ञा विशेषण तथा परिविशेषण अलग अलग करके लिखिए। ये जो आपको वाक्य दिया हुआ है इसमें से आपको संज्ञा विशेषण और परविशेषण ये तीनों छाट करके अलग अलग यहाँ भरने हैं। तो इसी तरह से आप भाषा बोध का आगे का कार्य भी करेंगे। और इसी के साथ यह पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। एक नई वीडियो लेकर मैं फिर से आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।